हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हाल ही में मैंने एक वीडियो देखी। ये वीडियो थी गणेश हिवारकर। आप भी जानते होंगे कि गणेश सुशांत सिंह राजपूत को अपना दोस्त बताता है। इस पूरे मामले में गणेश काफ़ी चैनल्स पर दिख जाते थे, इंटरव्यू देते हुए काफ़ी तरह की बातें वे अक्सर किया करते थे। इनमें से उन्होंने ये भी एक बार बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें एक बार अपनी जान लेने से बचाया था। तो इस वीडियो में मैं देख सकता हूँ कि गणेश जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं। और वो किसी चैनल को इंटरव्यू का वीडियो था ये। इस वीडियो में गणेश काफ़ी इमोशनल होकर बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जान आसानी से नहीं गई है, उनको बहुत दिक्कत हुई है, उनको बहुत परेशानी हुई है, उसके साथ उनकी जान निकाली गई है। वो ये भी बताते हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत है। वे कहते हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत को बहुत करीब से जानते थे, उनकी लाइफ से काफ़ी वाकिफ थे, उनके डे टू डे जो उनकी रूटीन थी उससे अच्छे से वाकिफ थे, और वो जानते थे कि सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो उनकी ज़िंदगी में जो चल रहा था उससे बिल्कुल भी ये नहीं माना जा सकता कि वे किसी तरह से परेशान थे, डिप्रेस थे, खुद को लेकर किसी तरह की टेंशन से जूझ रहे थे। गणेश कहते हैं कि उनकी जान ली गई है, और गणेश ये भी कहते हैं कि वे अच्छे से जानते हैं कि उनकी जान ली कैसे गई है और कैसे किसने ली है। अब अगर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गणेश के पास है तो वो सीबीआई के पास क्यों नहीं जाता? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गणेश अगर इतना कुछ जानता है, अगर गणेश के पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है तो वो चैनल्स पर बैठने के बजाय सीबीआई से बात क्यों नहीं करता, वहाँ पर सबूत क्यों नहीं पेश करते ताकि उन पर कार्रवाई हो सके। दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि इस पूरी कैंपेन में, इस पूरी लड़ाई में हम सभी चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए भी पॉपुलैरिटी और पब्लिसिटी करते हैं। अब ऐसा कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा, ये पहचानना भी कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे तो गणेश सुशांत को अपना दोस्त बता रहे हैं, गणेश ये बता रहे हैं कि सुशांत उनके बहुत करीबी थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी बातों से कभी कभार ऐसा लगता है कि वे सिर्फ अपनी अटेंशन गेन करने के लिए इस तरह से बातें करते हैं, इस तरह से इमोशनल होकर इंटरव्यूज़ देते हैं। एक इंटरव्यू उन्होंने रिपब्लिक भारत को भी दिया है, इस इंटरव्यू में भी वो काफ़ी इमोशनल होकर, काफ़ी अग्रेसिव होकर बात कर रहे हैं और बहुत बता रहे हैं कि सुशांत को इसने मारा है, उसने मारा है। तो सारी बात यहीं आ जाती है कि अगर ये पूरा कैंपेन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ है तो वो इसी वजह से हुआ है कि इसमें इस तरह के लोग गुस्साए जो सुशांत को अपना बता के अपनी रोटी सेकने में लगे रहे। क्या गणेश भी उन्हीं में से हैं? हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।